अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नसीर अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे से सुना था कि जामिया दारुल उलूम बहुत बड़ा मदरसा है, कराची का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का। तो आज हम यहीं से गुज़र रहे थे, बहुत दूर से मदरसे का जो बड़ा मीनार है वो नज़र आ रहा था। तो दोस्तों के साथ मशवरा करके चलते और ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ते और इंशाल्लाह मदरसे को भी एक्सप्लोर। गुजर रहे थे तो कभी आए नहीं थे यहीं पे, तो ये कराची दारुल उलूम है, इसके अंदर आ गए। तो कैमरा अंदर लेके आने नहीं दे रहे थे, मोबाइल से भी वीडियो बना रहे। और ये कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो सबसे बड़ा मदरसा जो है वो यही है, कराची दारुल उलूम है। तो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर तालिब इलम है, लोग नमाज़ पढ़ के फिर जो तालिब इलम है वो साइडों पे बैठ के तो अपने लिए सबक याद करते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में अंदर तालिब इलम है। और बाकी जो मदरसा है बहुत खूबसूरत मदरसा है, यहाँ पर मतलब बहुत गुनाहों से पाक लोग रहते हैं, हमारी तरह नहीं, हम तो बहुत गुनहगार हैं। लेकिन यहीं से गुजर रहे थे तो हमने यही सोचा कि चलो चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुअज़्ज़ज़ बहुत बेहतरीन लोग रहते हैं। तो हमने बोला चलो अल्लाह ने तौफीक दी है, इनके साथ भी एक जमात पढ़ ले। इसके अलावा ये अलग अलग जगह है, ये भी अलग है, वो भी अलग है। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो दर्जों के हिसाब से मतलब अव्वल दर्जा, दूम दर्जा, सोम दर्जा, तो उसी के हिसाब से मेरे ख्याल में ये जगह आप देख सकते हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हाँ अरबी में लिखा गया। अच्छा यहाँ पर ये छोटा सा कब्रिस्तान है, बिल्कुल मस्जिद के साथ ही। मैं भी यहाँ से गुज़र रहे थे तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत पुरानी कब्रें, यहाँ पर आप देख सकते हो यहीं पे, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है शायद आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ जी इस्लामी तारीख थी ना। अच्छा ये इसके साथ इस्लामी तारीख भी लिखा गया, और ये जो आम जो तारीख है मतलब जो इंग्लिश वाली तारीख जो वो भी साथ में लिखे गए, ये आप देख सकते हो, ये बहुत पुरानी खबर है, ऐसे देख सकते तारीख पैदाइश, ये इसका तारीख पैदाइश जो है 1964 है, और तारीख वफात ये इस्लामी तारीख में 1435 लिखा गया, और जो इंग्लिश तारीख है उसमें 2013 वो नज़र आ रहा है। अच्छा इसमें बाकी भी यहाँ पर एक और कब्रिस्तान, छोटा होगा या बड़ा होगा लेकिन यहाँ पर मैंने सुना है, क्योंकि ये मदरसा बहुत बड़ा है, हम एक जगह से दूसरी जगह तक भी जाए ना
तो हम लेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि आके इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लूँ, तो दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह, देखते। मेरा वाले साहब भी मेरा नुकसान मना।